सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड में इन्हें बिग बी के नाम से जाना जाता है। बॉलीवुड का हर स्टार इनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, लेकिन बीते कुछ दिनों से अमिताभ बच्चन की सेहत में गड़बड़ी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें सुर्खियों में हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने काम से भी ब्रेक ले लिया है। और आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम एक नज़र डालने वाले हैं अमिताभ बच्चन की कुंडली के ऊपर, और आज आपको बताएंगे कि कुंडली के किस दोष की वजह से अमिताभ बच्चन की तबीयत नासाज हुई है। बता दें आपको, अमिताभ बच्चन जी का जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जबकि उनकी माँ तेजी बच्चन कराची से ताल्लुकात रखती थी। आरंभ में अमित जी का नाम इकबाल रखा गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रयोग में किए गए प्रेरित वाक्यांश इनकलाब जिंदाबाद से लिया गया था, लेकिन बाद में प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इसका नाम अमिताभ रखा। आपको बता दे, अमिताभ का अर्थ होता है शाश्वत प्रकाश। अगर अमिताभ बच्चन जी की पर्सनल लाइफ देखी जाए तो आपको बता दे, अमिताभ बच्चन फिल्म अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन एंकर और पूर्व राजनेता रह चुके हैं। इन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत में जंजीर, देवर और शोले जैसी फिल्मों से लोकप्रियता हासिल की, और इनकी इस लोकप्रियता का सिलसिला आज भी जारी है। इनको बॉलीवुड में ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए एंग्री यंग मैन भी कहा जाता है। इनको एंग्री यंग मैन का खिताब दिया जा चुका है। आपको बता दें, बॉलीवुड स्टार ऑफ द मिलेनियम या बिग बी, शहंशाह, ये कई नामों से जाने जाते हैं। इनके लगभग 5 दशकों के करियर में इन्होंने 190 से भी ज्यादा बॉलीवुड फिल्म में काम किया है। बच्चन जी भारतीय सिनेमा और विश्व सिनेमा में सबसे ज्यादा प्रभावशाली अभिनेताओं एक्टर्स में से एक माने गए हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में हुआ था। उनका जन्म राहु की महादशा में हुआ था, जो कि 1955 तक उनके जीवन को प्रभावित करती रही। इस दशा ने उनको एक नेक इंसान बनाया, क्योंकि लग्न में केतु के कारण ऐसा इंसान नेक दिल और दूसरों की मुसीबत अपने सर पर लेने वाला होता है। लेकिन उनकी कुंडली उनके काम और सेहत को लेकर अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न करती रही। आपको ये भी बता दे कि सन 1971 से 1990 तक का अरसा शनि का था, जो कि उनकी सेहत और मां की सेहत को प्रभावित करता रहा। और इसी के साथ सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध ने 8वें घर में बैठकर उनके अंदर प्रेम की भावना पैदा करी, जिसके कारण उनका आकर्षण रेखा से भी रहा था एक समय। लेकिन सन 1973 में उनका विवाह जया भादुरी से संपन्न हुआ, और इसी के चलते उनकी कुंडली में एक योग और भी बना कि अगर उनका बेटा गुरुवार के दिन जन्म लेगा तो वो अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और ऐसा हुआ भी। अभिषेक का जन्म गुरुवार को ही हुआ, और उस दौर के बाद अमिताभ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि 7वें घर में राहु और 8वें घर में शुक्र ने
शुक्र ने पत्नी का गुस्सा बढ़ाया और उनकी सेहत को खराब करने का भी काम किया। साल 1919 से 2007 तक बुध की दशा रही, जो कि उनके अपने कामकाज और सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी साबित नहीं हुई, क्योंकि बुध आठवें घर में बैठ व्यक्ति का कामकाज और मानसिक दिक्कतें पैदा करने का काम करता है। तथा इसी के साथ आपको बता दे, तभी उन्होंने नीलम रत्न का सहारा भी लिया था। आपको बता दे, इस दौर में भी सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, बुध मंगल शुक्र की युति ने उनको पेट से संबंधित दिक्कतें और खून से संबंधित दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था, जैसे कि लीवर की बीमारी से संबंधित। और इसी के साथ हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। ये दशा सन 2014 से 2034 तक उनके जीवन में अनेक मुसीबतें लेकर आएंगी। इस दशा में उनको और उनकी पत्नी की सेहत और स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पत्नी का गुस्सा बढ़ेगा और रुपए पैसे भी खराब होने की संभावना बनी हुई है। अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि ये दशा उनकी सेहत को पूरी तरीके से खराब और जोश गिराने का काम कर रही है। तो आपको बता दें कि कुंडली के इसी दोष की वजह से अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन की सेहत में गड़बड़ी, उनकी सेहत में, उनकी हालत में बिगाड़ आया है। नेक्स्ट 9 न्यूज से आर्थिक रिपोर्ट।